ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट मैच्योरिटी पीरियड इन ट्विन फ्लेम जर्नी 23 मई 2024 हम सभी विटनेस करने जा रहे हैं, ऑब्जर्व करने जा रहे हैं फुल मून जो जोडिक साइन सजिटेरियस धनु राशि में होने जा रहा है। धनु राशि जानी जाती है ऑप्टिमिस्टिक नेचर के लिए, फोकस्ड रहता है उनका हमेशा माइंड फोकस रहेगा जो धनु राशि के लोग होते हैं। इसके साथ ही साथ खुले दिल के लोग भी होते हैं, ब्रॉड माइंडेड एंड खुश मिजाज। इस फुल मून आप महसूस करेंगे इनर जॉय, उम्मीद से भरे रहेंगे आप, लाइफ को लीड करने का जो एक जो जुनून होता है उसमें आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ खो सी गई है आपकी वो जुनून। डिवाइन गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, ग्रोथ एब्यूंडेंस मिराकल्स जॉय ये सभी आप सबके लाइफ में देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ कलेक्टिव अवेकनिंग। ऑल्सो एक वीडियो मैंने बनाई थी सोलर फ्लेयर एक्टिविटी पर जिसका इफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ पर भी पड़ता है। थोड़ा सा बताना चाहूँगी सोलर फ्लेयर्स की स्पिरिचुअल मीनिंग एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग अस एट अ डीपर लेवल, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ना मई का मंथ 23 मई, इसमें सोलर फ्लेयर्स भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। सोलर फ्लेयर्स की स्पिरिचुअल मीनिंग एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग अस एट द डीपर लेवल, ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं इसकी शुरुआत जनवरी 2020 से हुई और इसका टाइम फ्रेम लगभग 11 ईयर्स तक का होता है। इसका मीनिंग है 2020 के आसपास का टाइम सोलर फ्लेयर्स सोलर साइकिल कंटिन्यूएशन में रहेगा। सोलर फ्लेयर्स का रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले जितने भी सन स्पॉट्स होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, उसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स आते हैं। ये एक साइकिल है जो 11 साल तक चलता है। 2024-2025 पीक टाइम रहेगा सोलर फ्लेयर्स का। सन इज नोन एज सोल, सूर्य को आत्मा कहा जाता है और चंद्रमा को कॉन्शियसनेस। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में भी सूर्य को आत्मा सोल कहा गया है। आवर सन इज अ पावरफुल चैनल एंड एम्पलीफायर ऑफ प्योर डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए सिर्फ आप इतना समझें, सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड एक साइकिल कंप्लीट करने में लगभग 11 साल का समय लेते हैं। दिस मीन्स दैट द सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल स्विच प्लेसेस। सोलर फ्लेयर्स मतलब सूर्य में उठने वाले तूफान या आधी। सूर्य मीन्स आत्मा, सन, तो ऐसे में सोल अवेकनिंग की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब सीधा सा मीनिंग है तूफान स्टॉर्म का उठना। अगर सूर्य में सन अगर विटनेस करता है तूफान स्टॉर्म, मतलब हमारी आत्मा में भी तूफान और स्टॉर्म का उठना। दिस इज स्पिरिचुअल मीनिंग। This brings out ascension symptoms mentally, emotionally and spiritually and physically as well. ऐसे में inner childhood जो traumas या wounds हैं वो भी बचपन से related जितनी भी है, कुछ खास बातें आपको फिर से याद आ सकते हैं। चाहे आपका childhood days जैसा क्यों ना बीता हो, full of joy or some painful periods also, तो you need to heal your childhood pain और वुंड्स। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आसपास के ऑफेनेज हाउस में या छोटे छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स जो उनके छोटे बच्चों के पेरेंट्स जो डेस्टिट्यूट होते हैं या जो अनफॉर्चुनेट होते, उतने फॉर्चुनेट नहीं होते, उन्हें थोड़ा हेल्प करें। आपकी चाइल्डहुड हीलिंग ऐसे भी हो सकती है। क्लोथ्स वगैरह देखिए, बुक्स स्टेशनरीज या फूड्स जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकें करें।
ये जो सोलर फ्लेयर्स की बात इस वीडियो में इसलिए की जा रही है क्योंकि ये टाइम, ये एरा चल रहा है सोलर फ्लेयर्स का. ड्यू टू सोलर फ्लेयर्स ये मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ ट्विन फ्लेम यहाँ पे पॉसिबल होगा. और रैपिड कलेक्शन, जो भी ये रैपिड अवेकनिंग, कलेक्टिव अवेकनिंग, सोल ट्विन फ्लेम्स की रैपिड कलेक्टिव अवेकनिंग होगी, इसलिए सोलर फ्लेयर्स की बात इस वीडियो में की जा रही है. सोलर फ्लेयर्स मीन्स, सीधा सा सिंपल सा एक लाइन में, अगर सेंटेंस में आपको मैं बताना चाहूँ, सूर्य में उठने वाले स्टॉर्म्स या तूफान. सूर्य है हमारी आत्मा. जब आत्मा में तूफान उठता है तो इट लीड्स टू द अवेकनिंग. यहाँ पे इसीलिए कहा गया है रैपिड अवेकनिंग पॉसिबल है. और एक, अगर आप में से जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और वो अवेकन्ड, ऑलरेडी अवेकन्ड सोल हैं, तो उनका मैच्योरिटी का टाइम अब आ चुका है. वीडियो को कंप्लीट पूरा सुने तो आप समझ पाएंगे इस वीडियो के मैं क्या शेयर करने वाली हूँ. आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होगा जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी. यू विल एक्सपीरियंस अ रिएक्टिव ऑफ न्यू बिगिनिंग, यू नो, हेल्पिंग यू टू टेक द बिग स्टेप. फुल मून जोडियक साइन सजिटेरियस में होने से ये फुल मून पर प्लैनेट जुपिटर का भी इफेक्ट रहेगा. जुपिटर द प्लैनेट ऑफ लक एंड एक्सपेंशन, वो भी ट्रांजिट पीरियड में रहेंगे जुपिटर, जिसे बृहस्पति देव भी कहा जाता है, जो कि सजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट भी है. आपको अपने इनर वर्क में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है. डिसिप्लिन रहिए अपने इनर वर्क में, प्रैक्टिस करते रहना है, मेडिटेशन करिए, अवेयरनेस में रहें. किसी भी टाइप का एडिक्शन है तो उसे अभी छोड़ दें. वैसे तो इस फुल मून का इफेक्ट सभी जोडियक साइन पर रहेगा, पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट सजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो एंड पाइसेस पर होगा. धनुराशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मीन राशि. अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, कोई बात बन सकती है, मॉनेटरी गेन भी हो सकता है. दिस फुल मून इज अ वेरी ऑस्पिशियस एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर ट्विन फ्लेम्स. कुछ सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है ये न्यू मून सबके लाइफ में. हाँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन इशू हो सकता है, चीज़ें भूल सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ दिन. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ध्यान रखें, खराब हो सकता है. सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट होने से आप में से कुछ लोगों के गैजेट्स में प्रॉब्लम आ सकती है. सोलर फ्लेयर्स कैन इफेक्ट पावर ग्रिड ऑल्सो. इसके साथ साथ फैटिक फील करना, बॉडी पेन भी फील हो सकता है, पर माइल्ड इफेक्ट रहेगा जो भी होगा. नाउ प्लीज डोंट फील पैनिक, रादर ट्राई टू वेलकम यू नो दैट टाइप ऑफ एनर्जीज एंड एडजस्ट विद देम फॉर योर रैपिड एवोल्यूशन. डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी यू नो मोरलेस ऐसे ही रहेगी. याद रखें, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए कुछ हर्टफुल वर्ड्स का यूज करते हैं, देन यू आर हर्टिंग योर सेल्फ ओनली, नॉट टू द अदर पर्सन. डिवाइन मैस्कुलिन कुछ नए पर्सपेक्टिव से अपने डिवाइन फेमिनिन को देखेंगे. यहाँ देखने से मतलब फिजिकल वर्ल्ड में या नहीं है, मतलब कुछ ऐसा, यहाँ पे मैं रूप रंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड या एनर्जेटिक लेवल में भी ये हो सकता है कि एक उनका देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव चेंज होगा. डिवाइन मैस्कुलिन हैव अ ग्रेटर अर्ज फॉर फ्रीडम. फ्रीडम से मीनिंग ये हो सकता है कि करेंटली जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में डिवाइन मैस्कुलिन हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो अभी उनके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उनसे फ्रीडम पाना वो चाहते हैं. या फिर यहाँ पे दो मीनिंग है फ्रीडम से, डिवाइन मैस्कुलिन को फ्रीडम, अभी वो फ्रीडम के खोज में निकले हैं, यू नो फ्रीडम उन्हें अभी कुछ फ्रीडम उन्हें चाहिए, उनकी एनर्जी में मैं सेंस कर पा रही हूँ. दे हैव अ ग्रेटर अर्ज फॉर फ्रीडम. और सेकेंड फ्रीडम, या फिर जो भी डिवाइन मैस्कुलिन टॉक्सिक एनर्जी में रिलेशनशिप में है उनसे फ्रीडम, या
या फिर डिवाइन फेमिनिन के ओवर इंटेंस एनर्जी से, कमिटमेंट रिलेटेड क्वेरीज या क्वेश्चन से, या फिर बात बात पर अगर आप लोग लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो यहाँ पे फ्रीडम आपसे भी हो सकता है। आपके साथ जो मैच करे, रेजोनेट करे, वो देख लीजिएगा। कंट्रोलिंग पावर एंड कंट्रोल्ड होना दोनों ही ठीक नहीं है। इन दिस न्यू मून यू फील द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यू नो आफ्टर देन यू ट्विन फ्लेम स्टार्ट सीइंग दिस जर्नी विद न्यू आईज, जो आप पहले देखना नहीं चाह रहे थे। वहीं डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में बैटल चल रहा है। बैटल किस चीज़ का? फ्रीडम का। डिवाइन मैस्कुलिन आर डीलिंग विद इनर फाइट। ट्विन फ्लेम जर्नी सोल एवोल्यूशन की जर्नी है। देर इज़ नो पॉइंट टू गो बैक, यहाँ पीछे मुड़ पीछे जाना या यहाँ से यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं है, ना तो डिवाइन फेमिनिन के लिए ना ही डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। कुछ ख़त्म होने को है और कुछ अलग शुरू होने को भी है। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी आप सबके लिए। टिप नंबर वन, अगर 6 मंथ से आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर या सिचुएशन पर या सर्कमस्टांसेस पर वर्क कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन ट्राई टू डू इट यू नो इन अ डिफरेंट वे। यू शुड थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, क्योंकि होता क्या है, हम अगर 5-6 महीने हो गया, कुछ ऐसा लाइफ सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसी सिचुएशन पर आप वर्क की जा रहे हैं जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, 6 मंथ्स हो गए, इमीडिएट आपको दूसरा एफर्ट, दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। सो ट्राई टू स्विच टूवर्ड्स डिफरेंट वे। सेकेंड टिप आपके लिए, किसी भी काम में आगे बढ़ने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि क्लैरिटी कितनी है। इफ़ यू आर एब्सोल्यूट क्लियर, देन यू शुड गो अहेड। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, तो रुक जाएं, रुक कर एक बार श्योर हो लें। थर्ड टिप आपके लिए, जिंदगी है, यहाँ ट्विस्ट एंड टर्न आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट यू आर ऑन अ ड्यूअल जर्नी, एक लाइफ जर्नी एंड सेकेंड इज ट्विन फ्लेम जर्नी, तो यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे। यहाँ पे बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल मेंटेन करके चलें। फोर्थ एंड द लास्ट टिप, मैच्योरिटी पीरियड है ये टाइम फ्रेम। आने वाले 3 मंथ्स लगभग 8-8 पोर्टल तक, मैच्योरिटी पीरियड का टाइम जो है ये 8-8 पोर्टल तक, आने वाले आज से या फिर मान के चले 23 मई से लेकर 3 महीने तक, मैं मान के चल रही हूँ 8-8 पोर्टल तक मैच्योरिटी पीरियड का टाइम है। दैट यू नो मैच्योरिटी पीरियड मतलब आप कहाँ से चले थे और कहाँ जाके आपका सफ़र कंप्लीट होगा या कंक्लूड होगा, तो ये टाइम फ्रेम मैच्योरिटी पीरियड का टाइम है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इनर वर्क एंड कर्मा एज वेल। अब मान लीजिए आपने इनर वर्क किया और आप कर भी रहे हैं और उसके बाद भी आपका मैच्योरिटी पीरियड में आप 8-8 पोर्टल तक मान के चलिए 3 महीने का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये 90 डेज का टाइम फ्रेम है टाइमलाइन, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड की जनरलाइज्ड और यहाँ पे 101% मैच्योरिटी पीरियड मैं सेंस कर पा रही हूँ 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के बीच किसी भी टाइम पे हो सकता है। अब मान लीजिए आप इनर वर्क नहीं कर रहे तो प्लीज़ स्टार्ट करें, और अगर मान लीजिए इनर वर्क आपने शुरू कर दिया और अच्छे से कर रहे हैं पर कर्मा वो भी ध्यान में रखना होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा एक मूल मंत्र का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए 3 मंथ्स भी आपको जो, क्योंकि आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, ये जो आप लोगों के माइंड में चाहत है ना, उसे आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये चीज़ हम सब जानते हैं और हमें ये याद भी रखना चाहिए, सबको सब नहीं मिलता। तो सबको सब नहीं मिलता मतलब हमें अगर ये मान के चलें कि हमें सब कुछ चाहिए अपने लाइफ में, तो क्या मिलता है? क्या सबको सब कुछ नहीं मिलता? तो ये
3 months टाइम फ्रेम लेके आप चलें। अगर आप, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ अपने लक के भरोसे भी नहीं बैठ सकते कि लक में होगा तो हाँ लक में होगा तो मिलेगा, आपका लक आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये भी एकदम सही है। लेकिन अगर लक में ये लिखा है कि इनावा करना ही है तो भी ये भी गलत तो नहीं है, है ना। इनावा करिए, अपने आप को शिफ्ट करें, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले जाएं, और इनावा करते हुए ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। पर यहाँ पे कर्मा भी मेन रोल, मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए कहा भी जाता है डोंट क्रिएट एनी, डोंट एक्यूमुलेट एनी नेगेटिव कर्मा। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए आप, क्योंकि आप अभी जो कर्मा कर रहे हैं उसको वो आप आपको पता है, आप एक अवेयरनेस में है, पर पास्ट लाइफ का कर्मा का क्या, या अब तक आपने जो अनअवेयरनेस में अननोइंगली जो कर्मा एक्यूमुलेट किया उसका क्या, है ना। वो भी तो हिसाब किताब हमें ही देने पड़ते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान में हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर, सबको सब नहीं मिलता, पर ऐसी बात भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोच के हाथ पे हाथ रख के आराम से अपना बैठ जाएं। इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे जैसे लाइफ जर्नी, लाइफ जर्नी में भी आपको हाथ पैर चलाने होते हैं ना, तो इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ एक्स्ट्रा आपको करना होता है, करना पड़ता है, एनर्जी चेंज करनी पड़ती है, शैडो साइड्स पे वर्क करना होता है, चाइल्डहुड वुंड्स हीलिंग आपको करनी पड़ती है, इसके साथ साथ इनाम वक्त तो है ही, और हाई वाइब्रेशन में आगे सस्टेन भी करना पड़ता है, तब जाके रियूनियन 100% अचीव आप करेंगे। बिकॉज इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी यू विल बाउंड टू हैव द रीयूनियन, वेदर इट इज अ हार्मोनियस रीयूनियन और शादी वाली रीयूनियन, बट रीयूनियन अचीव आप करेंगे ही। पर उसके उससे पहले आपको एकदम क्लीन प्योर होना होगा। तो ये थी और ये रहने वाली है एनर्जी 23 मई को। और इसके साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग, क्योंकि क्लैरिटी कन्फर्मेशन बेहद ज़रूरी है, और अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 23 मई जो फुल मून है वो एक और रीज़न से बेहद खास हो जा रहा है, इसीलिए इसको सोलर फ्लेयर के साथ साथ यहाँ पे मैच्योरेशन का भी पीरियड है, और इसके साथ साथ जो इसको खास बना रहा है वो है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा यहाँ पे है, हमारे जो जो लॉर्ड बुद्धा वो उनकी जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है उसी दिन बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। तो सबसे इसलिए ये और भी ये पूर्णिमा जो 23 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा के चलते भी ये और भी खास हो जा रहा है, ये पूरा दिन, ये पूरी जो टाइम फ्रेम है फुल मून की, पूर्णिमा की। तो इसके साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पे एंड मैं करना चाहूँगी, और ये भी ईश्वर से प्रार्थना करना मैं करूँगी कि आप सबका रीयूनियन बहुत जल्द अचीव हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।